राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। शनिवार को पीएम मोदी ने बीकानेर से कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। एक तरफ जहां कांग्रेस संगठनात्मक नियुक्तियों की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से एक कदम आगे है। शनिवार रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीना को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान बीजेपी के इन दो दिग्गज नेताओं को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। इस घोषणा से कई राजनीतिक संकेत और संदेश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में कुल 80 सदस्य होते हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीना से पहले राजस्थान के कई और नेता इस कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मगर चुनाव से पहले इस नियुक्ति को कई मामलों में खास माना जा रहा है, क्योंकि सतीश पूनिया को बीजेपी अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई, मगर इसका कोई खासा असर दिख नहीं रहा। पिछले दिनों राजस्थान में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के तीन बड़े नेताओं के दौरे हुए, जिसके बाद से सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीना के नाम की खूब चर्चा हुई। ये नियुक्ति अब उसी का परिणाम बताई जा रही है। गौरतलब है कि पूनिया के अध्यक्ष पद से हटने के बाद जाटों ने इसका जोरदार विरोध किया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद से उन्होंने पूरे प्रदेश में लगातार दौरे किए। आदिवासी क्षेत्रों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में उनका खूब दौरा रहा। उन्होंने कई जिलों में पैदल यात्राएं भी की। इससे उनकी पकड़ आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत मानी जा रही है। इसके साथ ही किसानों में भी उनकी पकड़ मजबूत मानी जा रही है। वहीं किरोड़ी लाल मीना ने पिछले कई महीनों से जिस तरीके से गहलोत सरकार से खूब आमने सामने की लड़ाई लड़ी है, ये उसका ही प्रतिफल माना जा रहा है। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी ने अपनी और मजबूत पकड़ बनाने के लिए किरोड़ी बाबा को ये जिम्मेदारी दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में चुनाव संचालन समिति और केंद्र में संगठनात्मक बदलाव के साथ ही मंत्रिमंडल फेरबदल की बात भी कही जा रही है। अब बीजेपी में ये बदलाव कब तक होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपका इन नियुक्तियों को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।